योगी पे तमाम सवाल लगा रहे हैं आप, लेकिन योगी ने तो टाइट कर दिया, 20 पुलिस वाले को सस्पेंड भी कर दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है। पहले मैं घर के आदमी से कहूँ, पहले चोर से कहूँ, चोरी के छात्र से कहूँ पकड़ ले, ये कोई बात नहीं है भाई। असद का एनकाउंटर करा, वो भी फेक था, उसे पता नहीं कहाँ से लाके मार के डाल दिया, अब बाप का कर दिया। और अब एक नरेटिव पहले ही चल रहा है कि भाई उसकी बीवी शायस्ता खुदकुशी कर सकती है, खुदकुशी कर सकती है, उसको भी मार देंगे, कहेंगे खुदकुशी कर ली। पाल बग्गा ने पहले ही कहा था इन पत्रकारों को पुलिस की गाड़ी के पीछे बैन करना चाहिए, वरना पत्रकार ही आके मारेगा उसको। हाँ तो वो बावला इतना ज्ञानी कैसे हो गया? यानी पहले सबको पता था, इनके खेमे में पता था किस तरह मारा जाएगा, पत्रकार की गाड़ियाँ होंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उस तरह मारा जाएगा। और आपको अगर याद हो 20-25 दिन से जो है ये भांड मीडिया, तवायफ मीडिया, इसके मुजरे चल रहे थे, इसका एनकाउंटर हो सकता है, यहाँ एनकाउंटर हो सकता है, ये मारा जा सकता है, अतीक मारा जा सकता है, अशरफ का एनकाउंटर हो सकता है। भैया इनके पास कौन सी जड़ी बूटी थी जो तुम लोगों के पास नहीं? बावलो तुमने क्यों नहीं चलाई न्यूज? तुम्हें भी चलानी चाहिए था ना, अतीक मरने वाला है, इसका एनकाउंटर होने वाला है, असद का होने वाला है, अशरफ का होने वाला, तुमने क्यों नहीं चलाई? ज्ञान तो तुम्हारे पास भी है, पढ़े लिखे तो तुम भी हो, भारत में तुम भी रहते हो, तुम्हें क्यों नहीं पता चला? जो बग्गा को पता चल गया, तो सग्गा को पता चल गया, तो ये भान मीडिया को पता चल गया भाई, कोऑर्डिनेट था, प्री प्लान मारा गया। योगी तो कह रहे हैं सबके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, कोई बख्शा नहीं जाएगा, सबके ऊपर कार्रवाई करी जाएगी। तो बात तो सवाल तो ये उठता है, जिन्होंने जुनैद और नासिर की मॉब लिंचिंग करी, कब मोनू मानेश्वर को आप एनकाउंटर करके मारेंगे? सवाल ये भी उठता है, चिन्मयानंद, आप सेंगर को देखिए, चिन्मयानंद को देखिए, राजा भैया को देखिए, बड़ी लंबी लिस्ट है, उनका एनकाउंटर करप कर जा रहा है, क्योंकि इनके साथ जो माफिया है वो तमाम के तमाम दूध में नहाए हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरे लोग हैं उनको ये माफिया कह रहे हैं। अगर अतीक अहमद इतना ही बड़ा माफिया था आपके बकौल, तो वो कौन सी पार्टियां थी जो लगातार उसको प्रमोट कर रही थी? वो कौन सी पार्टी थी जो उन्होंने उसको टिकट दिया था? जाहिर सी बात, एकदम से तो माफिया बना नहीं होगा, वो शुरू से ही माफिया रहा होगा। तो ये तमाम का तमाम मुल्लों का पेस राइट करने के लिए, सन 2024 जीतने के लिए, और हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे का जो ड्रामा चल रहा है। तो एक शायर ने बहुत खूब कहा है कि लगेगी आग तो आएंगे सभी मकान सदमे, यहाँ कोई हमारा मकान थोड़े ही है। तो आप देखिए, गृह युद्ध हो चुका, महंगाई पे आप बात नहीं करते, रोजगार पे आप बात नहीं करते, बस मुल्लों का पेस राइट करना है, मुल्लों का पेस राइट करना है। लेकिन जय श्री राम नारा क्यों लगाया जा रहा है? ये देखिए कि मतलब एक धार्मिक नारा कातिल बन गया, एक धार्मिक जय श्री राम का नारा लगा रहे, आप किसी को मार रहे हैं। और वो पुलिस वाले किस लिए खड़े थे? वो सुरक्षा के लिए खड़े थे, वो रक्षा के लिए खड़े थे, उनकी बंदूकें जंग खा जाती हैं, 9 राउंड फायर होते हैं जनाब, टारगेट किलिंग, एक गोली ऐसे रख के मारी जाती है, एक गोली ऐसे रख के मारी जाती है, 9 बार वो फायर फायर ठाए ठाए डिस्कुम डिस्कुम कर रहे होते हैं, और पुलिस वाले दुम दबा कर भाग रहे होते हैं। डर गए थे उसने, डरे नहीं थे, अरे भाई डरेंगे कैसे? तो कोऑर्डिनेट करा गया, प्री प्लान था, वो तमाम का तमाम प्री प्लान था, और पुलिस वाले तो उन चारों को ऐसे बचा रहे थे जैसे उनके लाल हो, उनको गोल में भर रहे। अरे एक भी गोली उनके नहीं लगी। अगर यही कोई दूसरा गैंगस्टर होता, नॉन मुस्लिम होता, और मुसलमान कभी ये कर रहा होता, पूरे खानदान को भून देती पुलिस। लेकिन ये के टारगेट किलिंग थी, प्री प्लान करा गया और था। दूसरे लोग कह रहे हैं दूसरे स्टेट के मुख्यमंत्रियों को योगी से सीखना चाहिए माफियाओं को सबक सिखाने के लिए। हाँ तो जब योगी से सीखना चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट, तो हाई कोर्ट, तो लोअर कोर्ट डिसाइड करे कि ये कंचा खेलेंगे या गुलेल खेलेंगे या लूडो खेलेंगे, ये करेंगे क्या? जब हमारे यहाँ संविधान का कोई अस्तित्व नहीं बचा, तो जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट का, तो लोअर कोर्ट का, तो हाई कोर्ट का भी कोई अस्तित्व नहीं बचा। तो वो लड़के जो फालतू में LLB कर करके और तमाम जुडिशरी पास कर करके जाके कोर्ट में बैठ रहे हैं, तो कोर्ट में ताला लगा देना चाहिए, और जितनी कोर्ट है वहाँ पर उन लोगों को कंचे खेलने चाहिए। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि कोर्ट का फैसला बहुत टाइम लगता है, 40-40 साल लग गया और 1 घंटे में काम हो गया, तो सही है, समर्थन कर रहे हैं। नहीं नहीं, तो फिर मतलब ये कोर्ट अभी थोड़ी बना है, ये तो आप कोर्ट की प्रणाली को सही करिए ना। ये थोड़े कि आप पहले कह रहे हैं कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, हु आर यू, क्यों मिला देंगे आप माफिया को मिट्टी में? यानी आप जो है, आपको पता है कि आप इतनी मुश्किलों से सत्ता में आए हैं और RSS का आपके ऊपर हाथ है, आपको लगता है कि मुल्लों का पेस टाइट करेंगे तो तमाम जो बेवकूफ हिंदू हैं, जो हिंदू बनते हैं, जो तमाम के तमाम भेड़िए हैं, जो मुसलमान के और इंसान के खून से खुश होते हैं, आप उनको खुश करना चाहते थे। हम अतीक को नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं अगर भारत लोकतांत्रिक देश है तो हम इस कत्ल की निंदा करते हैं, और अगर बाकी भारत लोकतांत्रिक देश नहीं है तो बंद करिए तमाम जुडिशरी। क्यों आपने ड्रामा कर रखा है? क्यों इतने लाखों करोड़ों अरे विकास दुबे योगी का पालतू कुत्ता था, विकास दुबे के पास इनकी फाइलें थी, विकास दुबे को जब पुलिस पकड़ने जा रही थी तो योगी ने फोन कर दिया था, तो उसने 45 पुलिस वालों को मारा था,
याद तो होगा तुम्हें, एक पालतू कुत्ते में और एक खुले हुए शेर में फर्क होता है भाई। वो पालतू कुत्ता इन्हीं के आता, अगर ये विकास दुबे का इनकाउंटर ना करते, उसकी गाड़ी ना पलटती, तो आप यकीन करिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पलट जाती। उसको मारना इनकी मजबूरी थी। आप विकास दुबे को कहां मिला रहे हैं? वो तो इनका पालतू कुत्ता था भाई। वो लोग कह रहे हैं विकास दुबे पे सवाल उठा रहे थे और अतीक अहमद ना, 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 अरे 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 यही कब्रिस्तान है, यहीं पर मैं विकास दुबे को भी फेवर करती थी और यही मैं लगातार इंटरव्यू देके कही थी। वो भागा था कि देख लेना इसको एनकाउंटर करके मार दिया जाएगा, क्योंकि उसके पास ऐसी ऐसी फाइलें थी, ऐसी ऐसी लड़कियों को उसने सप्लाई कर रखा था, सारे सबूत जमा थे। अगर उसको ना मारते तो योगी की सरकार और सेंटर में बैठी हुई चाय वाले की सरकार धराशाही हो जाती। हम तो खुद उसके साथ थे। योगी सरकार ने लगातार लगातार मिठाइयां बांटी जा रही। कहा जा रहा है कि अगले नंबर मुख्तार अंसारी का है। हाँ तो लगाओ ना, लेकिन संविधान पे पहले ताला लगाओ। अरे कहाँ हो भक्तो, आपको याद सुबोध कुमार तो तुम्हें याद होगा, बुलंदशहर वाले SHO थे, तुम्हारे ही धर्म के थे, मुसलमान तो नहीं थे। जब उनको इन्हीं पालतू तमाम इन्होंने भगवा चिंटुओं ने मारा था, तो तुमने उनको संबोधित करा था, उनको सम्मान दिया था, उनकी मूर्तियां बनाई गई थी। आज तक योगी का एक पालतू भी उनके घर जाके झांका तो ये वो हमारे तो नहीं थे। तो ये ड्रामेबाजी जो 17 लिस्ट निकल कर आ रही है, जो तमाम इनके अंदर माफिया है, तो आप उनको भी मारो ना। अगर आपके बगौर ठोकतंत्र ही इंसाफ है तो करो ठोकतंत्र, लेकिन आप कह दो कि भगवा ही संविधान है, ठोकतंत्र ही इंसाफ है और हम मुल्लों का पेश ट्राइट करेंगे, तो आप संविधान का सेकुलर नेता है, खामोश क्यों बैठे हुए कह रहे हैं? बस वो स्टेटमेंट देकर ट्विटर पे चुपचाप खामोश हो जा रहे हैं। नहीं भाई, जब मुसलमान की बात आती है तो कौन बोलता है? अरे जब मुसलमानों की बात आती है, जनाब मुसलमानों की तंजीमें भी नहीं बोलती हैं। आपको याद है? अरे इफ्तार कराने से कुछ नहीं होता। मैंने कहा ना कि मुसलमान लगातार मैं कहती चली आ रही कि भारत का मुसलमान एक अपाहिज की मानिंद है। जब इलेक्शन आता है तो तमाम पार्टियां उसको गोद ले लेती हैं, लेकिन जब मुसलमान पर विडंबना आती है तो ना तो मुसलमानों की तंजीमें इस्लामिक तंजीमें बोलती हैं। आपको याद तो होगा भी रामनवमी में किस तरह बिहार में कुरान शरीफ को जलाया गया, 5,000 कुरान शरीफ को जलाया गया, मदरसों को तोड़ा गया, मस्जिदों को तोड़ा गया, अफ्तार पार्टी को खराब करा गया, मुसलमानों को नॉन स्टेट में करा गया। कौन सी मुसलमान तंजीम बोली थी? याद है कोई बोली थी? कब्जा और सर पिलाए तो जा रहा है मुसलमानों को, खजूर भी दिया जा रहा है, बिरयानी का पैकेट दिया जा रहा है। वो आपको एक लॉलीपॉप दी जा रही है, एक नरेटिव सेट करा जा रहा है कि मुसलमानों घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ है रोजा लेकर, हम तुम्हारे साथ है खजूर लेकर। अब ये आपकी जिम्मेदारी कि आप खजूर पर जाते हो, बिरयानी पे जाते हो या रुअफजे पर जाते हो। तो आपको क्या लगता है कि खामोशी का कारण क्या है? भाई खामोशी का कारण यही है कि लोग जो है ना एक तरह के डरने लग गए हैं। लोगों ने खासकर मुस्लिम तंजीमें जो हैं, मुझे लगता है कि वो अल्लाह से नहीं डरती। तो जब आप जमीनी खुदा बना लेंगे और आपका एक पॉलिटिकल फायदा होगा तो आपकी हरकतें इसी तरह होंगी। अब इन लोगों को मैंने कहा ना, अभी मुस्लिम तंजीमें अमित शाह से मिलकर आई थी, अमित शाह के साथ बिरयानी खाकर आई थी और वल्ला हबीबी करती हुई आई थी, अमित शाह ऐसे नहीं है जैसे नजर आते। उसके बाद क्या हुआ था? सॉरी, दिल्ली की मस्जिदें टूटनी शुरू हो गई, खानकाहें टूटनी शुरू हो गई, मदरसे टूटने शुरू हो गए, दिल्ली की जो हज मंजिल है उस पर ताला लगा दिया। तो जिसके कौम के रहनुमा ऐसे चाटुकार और बिकाऊ होंगे, वो कौम तो फिर ऐसे ही होगी। अच्छा मैडम, और कुछ लोग जश्न मना रहे हैं इसको लेकर, पीछे करो यार। देखिए जश्न तो मना रहे हैं वो नहायत ही बेवकूफ है, क्योंकि नजर का चश्मा होता है, नजरे का चश्मा नहीं होता। ये तमाम के तमाम वो हैं जो गाय मूत्र पी पी के कहते हैं कि धर्म को हम हिफाजत करेंगे, धर्म संकट में। हमने अतीक अहमद को प्रमोट नहीं करा, ना हमने अतीक अहमद को सपोर्ट करा। हाँ हम ये कह रहे हैं जब एक कैदी को आपने पकड़ लिया और आप ही के बकौल वो गैंगस्टर है और आप ही के बकौल वो जेल में पुलिस कस्टडी में, फिर वो ऐसी कौन सी मौत आई थी कि आपने उसको पुलिस कस्टडी में मार दिया? और तमाम जो भक्त हैं वो तालियां बजा रहे हैं, हा हा हा, 72 हूरों के पास पहुंच गया तो 70 हूरों के पास पहुंच गया। अबे जाहिल हो, पागल हो, किसी की मौत पे तो तुम जश्न मना रहे हो? क्योंकि संविधान सबके लिए एक है। अगर अतीक अहमद जेल में था तो पुलिस की, शासन की, प्रशासन की, उत्तर प्रदेश की सरकार की जिम्मेदारी थी कि उसकी हिफाजत करती। लेकिन मैं तो खुद 4 साल से कहती चली आ रही हूँ कि उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र नाम की चिड़िया जो फुर हो गई, वहाँ पर ठोकतंत्र चलता है और खासकर अगर सामने मुसलमान हो तो बिल्कुल फौरन ठोक दिया जाता है। आपने देखा कि विधानसभा में एक स्टेट के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा। भाई मिट्टी में क्यों मिलाएंगे? यानी मिट्टी में
कौन मिलता है? मुसलमान मिलता है। आपने तो नहीं कहा हवा में उड़ा दूंगा तो पानी में बहा दूंगा, आपका मतलब था सिर्फ आप जो टारगेट करेंगे वो तो मुसलमानों को करेंगे। भाजपा नेता कह रहे हैं आसमानी फैसला है ये। नहीं नहीं, आसमानी फैसला तो ये भी है, हाय भक्त तुम्हारे कैसी आग लग रही होगी। आपको पता है कि पार्लियामेंट में और विधानसभा में श्रद्धांजलि दी जाएगी अतीक को और अशरफ को, अब आप ये भक्त परेशान होंगे। और ये बताओ कि कितने कैसे कैसे इन पे छुरे चाकू चलेंगे जब ये खड़े कह रहे होंगे हे ईश्वर अतीक की आत्मा को शांति दे, हे ईश्वर अशरफ की आत्मा को शांति दे। कि तुम्हारा उसमें कोई मौजन, क्योंकि पार्लियामेंट में अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या कोई एमएलए हो, कोई भी जब मरता है या कत्ल कर दिया जाता है तो श्रद्धांजलि दी जाती है। शायद इन भक्तों को नहीं पता लेकिन दी जाएगी। तो ये कुछ भी कर ले, ये कुछ भी ड्रामे कर ले, कुछ भी एक नरेटिव चला ले, लेकिन उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन नाकाम हुआ है, वहाँ पर डरा है और डर की वजह से करा गया। आपको पता होगा जब अतीक अहमद को वहाँ से लाया जा रहा था जिस जेल में पहले थे, तो उन्होंने पहले ही कहा था कि उत्तर प्रदेश में मुझे लाकर मार दिया जाएगा। और हसन और तुम लोगों को भी पता हो, मैं इंटरव्यू से पहले भी डिस्कस करके यही कह रही थी, देखना अतीक अहमद को ये लोग मार देंगे क्योंकि दूसरी जेल से ट्रांसफर कर रहा है। अभी 28 मार्च में अशरफ ने एक वीडियो वायरल हो रही है ANI की, उसमें वो कह रहा है कि हमें ऐसे जेल में एक बड़े ऑफिसर ने धमकी दी है कि 15 दिन के अंदर हम तुम्हें मार देंगे, तुम्हें जेल से बाहर निकालेंगे। आप बताइए अतीक अहमद जो मेडिकल कराने जा रहा है, एक अशरफ जो मेडिकल कराने जा रहा है, उनके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या जरूरत थी? आप खुद बताइए, यहाँ पर आप मीडिया वालों को बदनाम करने के लिए करा गया, आप मीडिया का जो सोशल मीडिया का अस्तित्व खत्म करने के लिए करा गया, बदनामी तो आप लोगों की होगी। वहाँ पर एक मीडिया का दरबार सजाया जाता है और टारगेट शूटर को लाया जाता है, और वो टारगेट शूटर अगर आप आज सोशल मीडिया पे वायरल हो तो स्मृति ईरानी के साथ बिरयानी खाते हुए नजर आ रहे हैं, स्मृति ईरानी के प्रोग्राम में लवकेश तिवारी जो है वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करता हुआ नजर आ रहा है। हम तो पहले ही कह रहे हैं, और वहाँ के लोग अगर आपने देखा हो कल जो वहाँ की वीडियो वायरल हो रही, तो बड़े दिलेर दिलेर भी लोग थे, उन्होंने तो साफ कह दिया, मुझे लगा कि उनको डरना चाहिए था। भाई आपको डर नहीं लगता, आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, आपने साफ कह दिया कि वो चार आदमी जो तो जिम में बैठ कर गए थे, वो चाय वाला डरा नहीं, क्योंकि चाय वाला शायद आज भी हलाल खाते होगा, वो वाला मोदी जी चाय वाले नहीं, वो हमारा चाय वाला जो वहाँ पर था।